शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पापा काफी वक्त हो गया है, नेमो को भेज दूं श्याम सुंदर जी को लाने के लिए। आपने पिता का धर्म तो निभा दिया, अब हमारी बारी है पुत्री धर्म निभाने की। बाबूजी पंडित जी आए हैं। श्याम सुंदर जी भी अपना पिता होने का कर्म कर रहे हैं तो तुलसी पुत्री होने का अब उनका एक कर्म ही निर्णय करेगा। जिस तुलसी धाम में मैंने लड्डू गोपाल का अवतार धारण किया था वो त्रिगुण सोलंकी के पाप कर्म से मुक्त होगा या नहीं होगा। तुलसी धाम के सारे प्रूफ पेपर सब कुछ है इस वंशावली में। तुलसी मैं तो सुई के छेद से हाथे निकाल दो, तुम्हारे पास तो पूरी वंशावली है। तुम चिंता मत करो, तुमसे तुलसी धाम कोई नहीं छीन सकता। अभी आगे क्या करना होगा वकील साहब? करना क्या है, इस वकालतनामे पे साइन कर दो, मैं एक लीगल नोटिस भिजवाऊंगा और देखना जिसने तुम्हारा तुलसी धाम कब्जा किया है ना वो कैसा भागा भागा आता है, ये मैं लिख के देता हूँ। अरे इसमें कुछ वजन तो रखो, नहीं तो ये वकालतनामा हवा में उड़ जाएगा। कुछ वजन? अब नहीं उड़ेगा। वजन मतलब पैसा? कितना? देखो वैसे तो मंदिर में चंदा और वकील की फीस जितनी दो उतनी कम, लेकिन क्योंकि ये भक्ति से जुड़ा मामला है इसलिए तुम सिर्फ 10,000 दे दो। क्या 10,000? वकील साहब इतने पैसे नहीं है हमारे पास। मैं हूं ना, मैं पूरी तैयारी के साथ आया। लोअर साहब ये लीजिए। अब देखना तुम्हारे तुलसी धाम कब्जा करने वाले को कैसे अंदर कराता। तुमने नाम क्या बताया था उसका? त्रिगुण दास सोलंकी। त्रिगुण सोलंकी वो मथुरा वाले? जी। तुलसी ये तो मेरे से कैसा पाप करवाने जा रही, वो इतने शरीफ इतने सज्जन इंसान है, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। अभी तो आप उनकी खाट खड़ी करने वाले थे, त्रिगुण दास का नाम सुन के आपकी खाट खड़ी हो गई। अरे बात ही वैसी है, इतने सज्जन इंसान के खिलाफ मैं तो क्या कोई भी लॉयर केस नहीं लड़ेगा तुम्हारा। ऐसे कैसे केस नहीं लेंगे, आपने फीस ली है हमसे। ये रही आपकी फीस, ये रहा आपका वकालतनामा। आप लोग यहाँ से जाइए और किसी को कहना मत कि मैंने आपका केस लिया था। अरे ऐसे कैसे, कभी नहीं, आपको लीगल नोटिस बनाना ही होगा। बैठो तुलसी, हम आपके ऑफिस से कहीं नहीं जा रहे। कौन सा ऑफिस? ये मेरा ऑफिस नहीं है, जहान है तो जहान है। अरे वकील साहब, अरे वकील साहब, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यावा, पर दृढ़वत श्याम सुंदर जी का टरे न सत्य विचार। पता था आप जरूर आएंगे। क्यों अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं त्रिगुण जी, आपको तो भरोसा ही नहीं था कि मैं पुनः यहाँ आऊंगा। संदेह संदेह फिर से संदेह, आपको लगता था कि मैं तुलसी धाम पे कब्जा नहीं कर पाऊंगा पर मैंने किया। आपको लगता था कि आप अपनी जमीन मेरे नाम करने नहीं आएंगे पर देखिए आप तो आ गए। श्याम सुंदर जी, मृत्यु से भय सबको लगता है, इसीलिए तो आप साइन करने आ गए। मेरे भक्त सोच रहे होंगे कि यदि आज तुलसी धाम त्रिगुण सोलंकी के नाम हो गया तो धर्म हार जाएगा, किंतु सत्य ये नहीं है। सत्य तो ये है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली कितना ही बलवान पर वो मिटने से पूर्व धर्म के समीप जाने का प्रयास अवश्य करता है। यही नियति है, यही संसार का नियम है कि अधर्म अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए सदैव धर्म से युद्ध करते रहता और वो इस युद्ध में ये भूल जाता है कि वह धर्म को ही खींच रहा है, धर्म को ही आकर्षित कर रहा है। जैसे त्रिगुण सोलंकी मेरे परम भक्त श्याम सुंदर दास जी के कर्मों को नकार कर धर्म को ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मृत्यु से आपको भय लगता होगा, मुझे नहीं। मैं यहाँ डर कर नहीं आया हूँ। अच्छा तो बताइए किस लिए आए? मैं इसीलिए साइन करने आया हूँ ताकि आपको ईश्वर का आभास हो, उस सर्वशक्तिमान का आभास हो जिसे आपने चुनौती दी है। त्रिगुण जी
आज तक आपका सामना मुझसे हो रहा था, किंतु आज के पश्चात आपका सामना लड्डू गोपाल से होगा। मतलब अब आपके भगवान के दर्शन मुझे भी होंगे? तब तो मैं भी तर जाऊंगा। बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? हाँ, सब सब तैयार है। आई मेरा पीछा छोड़। अरे वकील साहब रुक जाइए। बात तो सुन लीजिए हमारी। हाँ। त्रिभुवन सोलंकी के हाथों मरना नहीं है मुझे। आप लोगों को जहाँ जाना आप लोग जाओ, मेरा पीछा छोड़। अरे ऐसे कैसे पीछा कैसे छोड़ दे हम? और वकालत शुरू करने से पहले न्याय की जो आपने शपथ ली थी उसका क्या? न्याय तो कर रहा हूँ लेकिन अपनी जिंदगी के। भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ना आप दोनों तरफ से घिर गए। क्या सुंदर जी? अरे अंकल जी, पापा को। अरे अरे रुक तुलसी, हम क्या करेंगे? आखिर वकील थे, भी भाग गए। तुम ना बस लड्डू गोपाल पर विश्वास रखो, वो जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। पर सबसे पहले उस वकील को ढूंढते हैं। हाँ। चलो। कथावाचक जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने पुरखों की जमीन आप एकदम सही आदमी के हाथों में दे रहे हैं। मैं तुलसी धाम का पूरा ध्यान रखूंगा। ये लड्डू गोपाल, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि आपके पवित्र धाम को मैं इस अधर्मी के नाम लिख दूं, परंतु अब मेरे जीवन की यही विडंबना है। मेरे सम्मुख अब और कोई मार्ग नहीं भगवान, मेरे इस पाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। सारा पेपर वर्क हो गया है, वर्क सिर्फ एक साइन बाकी है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म। यही है धर्म और अधर्म का युद्ध। रावण का अंत कभी ना हुआ होता यदि उसने माता सीता का हरण ना किया होता। कंस का भी विनाश कभी नहीं हुआ होता यदि उसने मुझे अपने महल में आमंत्रित नहीं किया होता। वही स्थिति त्रिगुण सोलंकी की भी है। वह तुलसी धाम को अपने नाम नहीं कर रहा है अपितु अपने मृत्यु का अनुबंध कर रहा है, क्योंकि जब अधर्म धर्म के समीप जाता है तभी से उसका अंत आरम्भ हो जाता है। इसीलिए जो धर्म को मानते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में सदैव उनके साथ रहता हूँ, जैसे तुलसी के साथ लड्डू गोपाल के रूप में। जान जाते जाते बची आज। इस बात पर खाइए लड्डू। लड्डू? तुम कौन? लगता है बचकर भी नहीं बचे आप। अब तक भाई बेटा बिन मौत मारा जाता हूँ तुलसी धाम को बचाने के चक्कर में, त्रिभुवन सोलंकी के शिकंजे से मैं फंसते फंसते बचाऊं? संसारिक ज्ञान तो पूरा है आपको, पर आत्मिक ज्ञान से उतना ही दूर। मतलब? मित्राणि धन धान्यानि प्रजानं समतानि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्र धन धान्य आदि का संसार में बहुत ऊंचा स्थान है, किंतु जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि का स्थान तो स्वर्ग से भी ऊपर है। ये तो सब ठीक है, लेकिन त्रिभुवन सोलंकी के खिलाफ केस लड़के अभी स्वर्ग नहीं जाना है। किसे ढूंढ रहे हैं आप? लगता है वो चले गए, अब मुझे भी चलना चाहिए। तुम अपने कर्तव्य से भटके हुए हो, अब तुम्हें सही मार्ग पर लाना होगा। ये क्या हो गया मुझे? मेरे पैर कहाँ फंस गए? स्वर्ग तो वो जाते हैं जो धर्म का काम करते हैं, और जो धर्म का साथ ना देकर अधर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं। इसका आभास शीघ्र ही हो जाएगा आपको। मतलब? मतलब ये कि धर्मो रक्षो रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, और जब आप अधर्म का साथ देते हैं तो उसकी पीड़ा भी आपको ही भोगनी होती है। चलता हूँ, मेरा लट्टू समाप्त हो गया। श्री कृष्ण
ऐसा लगता है कि आज ईश्वर ने स्वयं आकर मुझे मेरा धर्म याद दिलाया है। वो बालक जो कोई भी था, लेकिन वो सच कह रहा था, मुझे अपने धर्म से ऊपर उठकर धर्म का पालन करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। प्रभु, मैं आपका संकेत समझ गया। प्रभु, आज के बाद जो हो जाए, मैं अपने धर्म के रास्ते पर चलूंगा। मैं धर्म के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटकूंगा। जय लड्डू गोपाल। मैं किसी ना किसी रूप में मनुष्य को उसका धर्म याद दिलाने के लिए अवश्य आता हूँ, किंतु ये उसकी बुद्धि और विवेक पर निर्धारित करता है कि वो क्या स्वीकार करता है, सत्य या असत्य। यदि संसार में हर कोई अपना धर्म समझ ले तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। प्रभु, आप ही कहते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि के विधान है। इसीलिए आज मैं आपको साक्षी मानकर तुलसी धाम को त्रिगुण सोलंकी के नाम लिख दिया है। अब अच्छा हो या बुरा, सब आपके हाथों में है प्रभु। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मोरे मदन गोपाल। सब कहते हैं कि भक्ति को कोई नहीं जीत सकता, गलत। अगर इंसान के अंदर दूसरों को डराने की कला हो तो वो भक्ति को भी जीत सकता है और भक्त को भी। सब कहते हैं कि विश्वास को कोई नहीं खरीद सकता, गलत। अगर सही डील हो तो विश्वास को भी खरीदा जा सकता है। जैसे आज मैंने किया है अपने नाम भक्ति, आस्था और विश्वास को, जैसे आज मैंने किया है तुलसी धाम को अपने नाम। ये वही स्थिति है जब मेरे कहने पर भी दुर्योधन ने पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया था। दुर्योधन को लगने लगा था कि उसने नियति को निर्धारित कर दिया है, किंतु इस संसार में नियति कभी नियत नहीं होती, बल्कि उसका परिणाम कर्मों के अनुसार बनता और बिगड़ता है। जैसे आज अपने कर्मों से त्रिगुण सोलंकी ने अपने अंत की नियति निर्धारित कर दी है। तुलसी, वकील साहब, आप तुलसी मुझे माफ करना, मैंने पैसों के लालच में आके तुमसे बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ऐसा कोई कानून नहीं पता है जिससे कि तुलसी धाम को बचाया जा सके। वकील साहब, आपने तो कानून की पढ़ाई की है, कोई तो रास्ता होगा, कोई लॉ होगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुलसीधाम तुम्हें वापस मिले। माधव, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी अभी मन्नू की तरह अधर्म के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और तुलसी धाम को बचाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुलसी, तुम पूरे गोरबा गांव की प्रेरणा हो। जब लोग मुश्किलों में होते हैं तो तुम्हारी ओर देखते हैं, पर तुम ही ऐसे निराश हो जाओगी, कैसे काम चलेगा। तो और क्या करें माधव, सब कुछ तो करके देख लिया हमने, बड़ी मुश्किलों से एक वकील मिले थे, पर उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं है। तुलसी, इस परिस्थिति के सकारात्मक पहलू को देखो, एक वकील ने हमारा केस ले लिया है, हमारे पास पूरे एक दिन का समय है। तुम धैर्य रखो तुलसी, मैं जाके बाकी वकीलों से बात करता हूँ, शायद कोई दूसरा रास्ता निकला है।
हमने लड्डू गोपाल को वचन दिया था कि हम तुलसी धाम की रक्षा करेंगे, पर अब हम क्या करें? कैसे निकालें अपने तुलसी धाम को उस त्रिगुण सोलंकी के चक्रव्यूह से? ओए होए संपा, श्याम सुंदर जी चले गए पर अपने पीछे भक्ति की सुगंध 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 छोड़ गए। देख देख उनके साइन में उनकी फोटो से कैसे भक्ति टप 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 कर रही है। ये तो आपकी जीत की खुशी है। लड़ी फूल, ये मेरी जीत नहीं है, भक्ति की हार है। उस श्याम सुंदर से मैंने जमीन नहीं लिखवाई, उसकी भक्ति छीन ली है। इस पेपर को तो सोने के फ्रेम में जड़वा के रखवाना चाहिए है? कैसे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रही है, पर मैंने भी इसके अरमानों की हवा ना निकाली ना तो मेरा भी नाम फाल्गुनी नहीं है। तुम क्या मेरे अरमानों की हवा निकालोगे? एक बार मेरे पति को सब संभालने दो, फिर घर में ही तुम्हें वनवास ना दिया तो मैं भी तुम्हारी जेठानी नहीं। आग ना लग जाए। धर्म पत्नी जी, आपके बताए प्रेम मार्ग पर ही चलाऊं मैं इस बार, ना किसी को चोट पहुंचाई ना खून बहाया, फिर भी श्याम सुंदर जी अपनी जमीन मेरे नाम करके चले गए प्रेम मार्ग से। सखी तुलसी, क्यों इतने अशांत हो सखी? सखा, आप तो सब जानते हैं ना, तो फिर आप ही बताइए हम शांत कैसे हो सकते हैं? हमने बाबा से कहा था कि आप पिता धर्म निभाइए और हम पुत्री धर्म निभाएंगे, पर सखा हम करें तो करें क्या? कैसे तोड़े उस त्रिगुण सोलंकी के चक्रव्यूह को, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम हार जीत की उलझन में फंस गई हो तुलसी, पर याद रखो हार जीत केवल हमारे चुनने पर निर्भर करता है। यदि तुमने धर्म को चुना है तो तुम्हारी जीत निश्चित है। पर सखा अधर्म इस समय सबसे ताकतवर, सब कुछ उनके पक्ष में। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भी यही लगा, उसकी और पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, मेरी पूरी सेना थी, लेकिन फिर भी जीत उसकी नहीं हुई क्योंकि अर्जुन ने धर्म को चुना था, भगवान कृष्ण को चुना था। धर्म निहत्ता होकर भी अधर्म से शक्तिशाली होता है तुलसी, इसलिए तुम्हें अब ये सोचना होगा कि तुमने किसे चुना है और तुम्हारा मन स्वयं ही शांत हो जाएगा सखी। पर सखा हमारी बात तो सुन, हमने लड्डू गोपाल को चुना है, इसका मतलब हमारी जीत ही होगी क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। वसुंधरा जी, क्या दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती हैं आप? कलयुग में प्रभु पावरफुल लोगों का साथ देते हैं। आप भले ही अपनी आंखें मूंद लीजिए, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे कर्मों से एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है और फिर उसका दंड एक साथ मिलता है।
कर्मों से घड़ा भरता है, मैंने तो सुना था कंकड़ से घड़ा भरता है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। मैं कौवे और कंकड़ की कथा की बात नहीं कर रही, कर्मों की कथा की बात कर रही हूँ। भले ही सत्ययुग हो या कलयुग, मनुष्य को उसके पापों का दंड जरूर मिलता है। पर अब तक तो आए नहीं आपके भगवान मुझे दंड देने। भगवान रोज रोज नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जल प्रलय लेकर आते हैं और तब सारे पापों का हिसाब करते हैं। इसलिए जरा डरिए उस प्रलय से। संपत जी सर का नाव तैयार रखना वसुंधरा जी। चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर जल पर ले आए तो आप भी तैयार रहिएगा मेरी नाव से पार उतरने को। हाँ अंगद जी। बाबा कितना टाइम लगेगा त्रिगुण हेरिटेज को पूरा करने में? पापा कम से कम एक साल लगेगा। 6 महीने, 6 महीने में काम पूरा होना चाहिए। तुलसी धाम से उस श्याम सुंदर की भक्ति का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं मैं। अधर्मस्य पंच चेनानि गर्व दुर्वचनम्, अर्थात अधर्मी मनुष्य के 5 लक्षण होते हैं, घमंड, दुर्वचन, क्रोध, अविवेक और अन्य सभी लोगों के लिए सम्मान में कमी। और ऐसे लोग ही संसार से भक्ति को मिटाने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें ये ज्ञात नहीं कि सृष्टि का आधार ही है भक्ति, आस्था और विश्वास। इसलिए भक्ति को मिटाने का जो प्रयास करता है वो स्वयं ही मिट जाता है, चाहे वो सत्ययुग में हिरण्यकश्यप या त्रेता में रावण या द्वापर में कंस। जब जब भक्ति को मिटाने का प्रयास हुआ है, भक्ति और प्रगाढ़ रूप से स्थापित हुई है, क्योंकि मनुष्यता का आधार ही भक्ति है। तुम्हारे बाबू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाबा आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए। बाबा बाबा पंडित जी। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।